हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ओके ध्यान से सुनना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है और इसका कंसेप्ट क्या होता है ओके okay? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ सम्मीशन ऑफ यू एन इज सैट टू बी एपसल्यूटली कन्वर्जेंट इधर लिख दूंगा मैं कह रहा हूं कि ए सीरीज summation of u n <clears throat> is said to be absolutely convergent if the series summation mode of u n is convergent सर आपने जो है ना डेफिनेशन रट करके लिख तो दी इसका मतलब क्या है पॉइंट तो ये है ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं ये बात ध्यान से सुनना मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये डेफिनेशन जो अप्लाई होती है अल्टरनेटिंग सीरीज़ के ऊपर अप्लाई होती है मेरे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है यानी एक ऐसी सीरीज जिसका एक स्टेप पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तीसरा पॉजिटिव है चौथा नेगेटिव है ओके okay? वो जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी यानी बिल्कुल कन्वर्जेंट कहलाएगी अगर जो मेरे पास जो सीरीज है सीरीज के ऊपर मोड़ लगाने के बाद यानी सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाने के बाद ओके okay, फिर रिपीट कर रहा हूँ सीरीज के ऊपर मोड़ लगाने के बाद अर्थात सीरीज को पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाने के बाद अगर मेरी पॉजिटिव टर्म सीरीज बनने के बाद मेरी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी तो जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी क्लियर समझ आई मेरी बात यानी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको एक जो है अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन होगी वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी कब अगर उस अल्टरनेटिंग सीरीज को के ऊपर मोड की प्रॉपर्टी लगाने से या उसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बना लेने से ओके फिर आप उसके ऊपर कोई भी टेस्ट अप्लाई करो अगर कोई भी टेस्ट अप्लाई करके वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज निकलती है जो तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी क्लियर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरा और एग्जाम्पल मेरा ये है कि सबमिशन यू एन इजिक्वल टू है एक माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो की पावर दो माइनस एक, एक बटे दो की पावर तीन प्लस एक बटे दो की पावर चार एंड सो ऑन ओके मेरे को इस सीरीज को चेक करना है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं आपको पता है दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज ओके okay? क्लियर है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैंने क्या किया मैंने इसका सबमिशन यू एन निकाला सबमिशन ऑफ मोड ऑफ़ यू एन निकाला सबमिशन ऑफ मोड ऑफ़ यू एन निकालने का मतलब ये ये है कि जो नेगेटिव साइन है ना ये सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे वन प्लस एक बटे दो हुआ प्लस एक बटे दो का स्क्वायर हुआ प्लस एक बटे दो की पावर थ्री हुई प्लस एक बटे दो की पावर फोर हुई एंड सो ऑन क्लियर अब मैं इस सीरीज को चेक करूँगा आप चाहो तो इस सीरीज के ऊपर डी एल एम्बर्ट रेसो टेस्ट लगा सकते हो आप चाहो तो इसके ऊपर रेबीज टेस्ट लगा सकते हो आप चाहो तो इसके ऊपर लोक टेस्ट लगा सकते हो इस सीरीज के ऊपर पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर जितने टेस्ट मैंने आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज के पढ़ाए हैं सारे के सारे यहाँ अप्लाई कर सकते हो आपको फुल फ्रीडम है ओके और चाहो तो बेसिक डेफिनेशन भी लगा सकते हो मैं डेफिनेशन लगा करके दिखा रहा हूँ देन बाई डेफिनेशन बाई डेफिनेशन ऑफ मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज को जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है ओके ए सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ द सम ऑफ सम ऑफ़ समर्स्ट एंट्रम शुरू के एन पदों का योग फर्स्ट एंट्रम्स सम ऑफ फर्स्ट एंट्रम इज फाइनाइट एज एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट ओके अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट ट्रेंड करा दी जाए और शुरू के एन पदों का योग निकाला जाए अगर वो फाइनाइट है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है ओके okay? चेक कर लेते हैं मेरे पास जो गिवन सीरीज है नाउ गिवन सीरीज क्या है अब मेरी जो गिवन सीरीज है वो है वन प्लस एक बटे दो एक बटे दो का स्क्वायर एक बटे दो की पावर थ्री कैसी है क्या ये जी पी नहीं है क्या गुणोत्तर श्रेणी नहीं है क्या है ना गुणोत्तर श्रेणी इसका पहला पद क्या है वन नहीं है क्या सर्वांतर डिफ्रेंस आरिजिगल टू एक बटे दो नहीं है क्या इससे इसको डिवाइड करो या इससे इसको डिवाइड करो या उससे अगले वाले से पहले वाले को डिवाइड करो ये नहीं होगा क्या तो जी पी के अनुपदों का, का योग क्या होता है सम ऑफ़ जी पी क्या होता है भाई सम ऑफ़ जी पी एंड के लिए क्या फार्मूला ये नहीं होता है क्या भाई ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बटे वन माइनस आर नहीं होता ना होता है ना वैल्यू डालता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ देखता हूँ क्या आता है तो कंसेप्ट मेरा ये है बेटा कि एन को इन्फिनेटी टेंड करते हुए एन को इन्फिनेटी टेंड करते हुए इस सम को फाइन आर्ट दिखाना है सो दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटी ओके सम को मैंने ऐसे न मान लिया इज क्या होना चाहिए ये फाइनाइट होना चाहिए ये मेरा कंसेप्ट है अगर फाइनाइट है तो मेरी सीरीज कैसी है कन्वर्जेंट है ओके यही है ना कंसेप्ट चलते हैं आगे की तरफ और इस सम को मैंने क्या मान लिया ऐसे न मान लिया चलो देखते हैं निकाल करके तो यहाँ से मेरे पास निकला लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनीटी एस एन इज इक्ल टू लिमिट infinity टू इन्फिनीटी ए की वैल्यू डाली वन इंटू वन माइनस एक बटे दो की पावर एन बटे वन माइनस एक बटे दो और लिमिट एंड to टू इन्फिनीटी बस जीरो कितना निकला ऊपर तो निकला वन बटे एक बटे दो निकल गया फाइनली कितना निकला ये एक बटे दो निकलो या दो निकलो मेरे को उसका कोई मतलब नहीं है एक बटे दो निकल जाएगा तब भी चलेगा दो निकलेगा तब भी चलेगा ये तो निकलेगा एक बटे दो या हिंदी में लिख दिया यार दो निकला निकली तो फाइनाइट क्वांटिटी ही ये देखो दिस इज द पॉइंट ये कुछ भी निकल रहा है यार दिस इज ये फाइनाइट क्वांटिटी ये फ़ाइनाइट ना निकली तो एक बटे दो निकला तब भी फाइनाइट है दो निकला तब भी फाइनाइट है क्योंकि यहाँ कभी कभी जो है ना मेरे को डाउट लग जाए यार कभी कभी इसको उल्टा उल्टा सीधा कर देता हूँ मैं इसलिए दोनों लिख दिए मैंने आप इसको करेक्ट कर लेना एक बटे दो होगा तब भी मेरे को दिक्कत नहीं है दो होगा तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना बेटा ओके okay? तो निकली तो फाइनाइट क्वान्टिटी ना जब फाइनाइट क्वान्टिटी निकली सो दैट आप क्या कहोगे सो दैट गिवन सीरीज क्या है गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट मेरी गिवन सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है ओके okay, एंड जो मेरी एक्चुअल सीरीज दे रखी थी जो मेरी एक्चुअल सीरीज थी एंड समिशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू वन माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो की पावर दो माइनस एक बटे दो की पावर तीन ये जो मेरी सीरीज थी इज ये कैसी है क्लियर दिस इज माई आंसर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है मेरे से कोई गिला शिकवा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा लेकिन एक गिला शिकवा मत करना फिर ही नहीं है तो तो नहीं है भाई सीधी सी बात है आप मेरे चैनल के ऊपर आओ जाना हो, पढ़ो जाना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है तुम्हें अगर इस लेवल का इस तरह की चीज़ें कहीं मिलती हैं तो भाई उनके पास जाइए मैं तो फ्री नहीं दूँगा तो नहीं दूंगा तो नहीं दूँगा बस बीस दिन और फ्री है उसके बाद पेमेंट देन, देना देना शुरू कर देना आप लोग चलो बाय